हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी जा रहा हूँ पैसे निकालने। सैलरी आने के बाद यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोकल का एरिया में ऐसे कोई यहाँ एटीएम नहीं है, तो आधार कार्ड से यहाँ पैसे निकालने पड़ते हैं। और बाकी टाइम में यहाँ पर एक नियर बाई जो एटीएम है वहाँ जाता हूँ। लेकिन इस बार मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बाइक घर रख के आया हूँ। तो मुझे थोड़ा यहाँ लोकल में ही जहाँ से आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं वहाँ जा रहा हूँ मैं। यार पैसे निकलवाऊँगा, फिर कुछ सामान लेके आऊँगा, क्योंकि सैलरी आने के बाद यार पैसा निकला नहीं है और जेब में अभी बस 100-200 रुपये पड़े हैं। इतने में तो अभी खर्च चलेगा नहीं, तो एक बारी में खर्च निकाल लेते हैं पूरे महीने के लिए, और फिर उसी से पैसे खर्च करते हैं। फिर सैलरी आती है, फिर उससे पैसे निकलते हैं, तो ऐसे करके खर्च चलाते हैं अपना। और रेल में सैलरी का हिसाब तो अच्छा है, हर महीने के आखिरी तारीख में आ जाती है, आखिरी तारीख से पहले ही आ जाती है, एक दिन पहले ही आ जाती है। अभी कभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी सैलरी नहीं आई हो पहले। तो एक मार्च के महीने की जो सैलरी अप्रैल में आती है वो थोड़ा लेट आती है, 2 अप्रैल में आती है, 2-3 अप्रैल में। बाकी अदर जो महीने की सैलरी है वो टाइम से आ जाती है, और कोरोना टाइम में भी हम लोग को अच्छी सैलरी मिली थी। बस अभी कुछ अलाउंसेस हैं जो कट रहे हैं, जैसे एक हॉलीडे अलाउंस मिलता है हम लोग को, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, वो हमारा एक थोड़ा बंद हो रहा है। और छोटे मोटे जितने भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत बंद है, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिल रही है, थोड़ा DA भी रुका हुआ है। और बोनस तो मिल गया था दिवाली में पिछली बार हम लोग को, क्योंकि बोनस के लिए थोड़ा डाउट था कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पिछली बार दिवाली में बोनस मिल गया था रेल कर्मचारी को। तो ओवरऑल ठीक है, सैलरी टाइम से आ जाती है, और सैलरी की जो शीट होती है वो हर महीने के 15 तारीख में जाती है, और 15 के बाद मतलब 15 पर कंप्लीट हो जाती है, फिर चले जाती है। अब तो ऑनलाइन जा रही है, उसके बाद भी 30 के पहले पहले सैलरी आ जाती है। तो ओवरऑल सब ठीक है। अभी जा रहा हूँ पैसे निकालने, धूप बहुत तेज है, तो मास्क भी पहनिए आप लोग, सेफ, कोरोना से सेफ रहिए। आज कुछ राहत की खबर आई है कि संक्रमण दर में कुछ कमियाँ हैं, तो आई होप सब ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, नॉर्मल हो जाए सब कुछ। वैक्सीनेशन भी तेज़ हो रहा है, आज फ़ोन आया था स्टेशन से कि वैक्सीनेशन आप सभी को कराना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो वो काम भी अभी करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।